हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि बिटमन की क्वांटिटी किसी रोड सेक्शन की विड्थ में और लेंथ में कैसे निकाली जाती है। तो लेट्स टेक, अगर हम रोड का लेंथ 200 मीटर लेते हैं और उसकी चौड़ाई 5 मीटर और उसकी थिकनेस 75 mm, यानी 75 mm को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 0.075 मीटर होती है। तो इसकी वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी क्या होगी, उसका फार्मूला है L इंटू बी इंटू डी, जहाँ पर लेंथ 200 मीटर है और विड्थ उसकी 5 मीटर है और उसकी थिकनेस यानी डेप्थ जो है 0.075 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 200 इंटू 5 इंटू 0.075 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 75 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमने जो डिजाइन किया था उसमें हमारी डेंसिटी आई थी 2.45 ग्राम पर सीसी, या इसको कैलकुलेट करेंगे चेंज करेंगे तो 2.45 टन पर मीटर क्यूब, और हमने बिटमन कंटेंट उसका निकाला था तो वो आया था 3.5%। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ बिटमन मिक्स क्या हो जाएगा, 75 जो हमारा पहले आया था 75 मीटर क्यूब, और हमारी डेंसिटी आई थी जो लैब से 2.45। हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 183.75 टन। तो इसका मतलब जो हमारा रोड का काम चल रहा है उसमें हमारी क्वांटिटी लगेगी 183.75 टन होगा। लेकिन हमारा उसमें बिटमन कंटेंट है 3.5%। बिटमन कंटेंट 3.5% है तो क्या करना पड़ेगा, हमारी पहले क्वांटिटी हमने निकाली थी बिटमन मिक्स की 183.75, तो 183.75 इंटू 3.5% जो बिटमन कंटेंट था, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6.43 टन आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी बिटमन सेक्शन में पूरी क्वांटिटी निकल जाती है। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।